और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनेंगे, ये अब तय माना जा रहा है। 15 जनवरी के आसपास अधिवेशन की तारीख तय हो जाएगी। कोरोना और सर्दी के चलते अभी जगह में बदलाव हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। जयपुर और दिल्ली में अधिवेशन पर विचार विमर्श चल रहा है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी का दोबारा अध्यक्ष बनना तय है। 15 जनवरी के आसपास अधिवेशन की तारीख तय होगी। कोरोना और सर्दी के चलते जगह में बदलाव हो सकता है। जयपुर और दिल्ली में अधिवेशन पर विचार हो रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी शुरू। राहुल गांधी का दोबारा अध्यक्ष बनना तय है, बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। जैसलमेर और उदयपुर भी प्रस्तावित हैं, यानी कि जैसलमेर और उदयपुर में भी कार्यक्रम रखा जा सकता है, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कहीं पर भी कार्यक्रम हो सकता है। राहुल गांधी 5 या 6 जनवरी को विदेश से लौटेंगे। 8 जनवरी से मुलाकात का दौर शुरू करेंगे राहुल गांधी। तमाम नेताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। संवाददाता दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, क्या अपडेट है फिलहाल अधिवेशन को लेकर कांग्रेस के? पराग, देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस से एक दिन पहले 27 दिसंबर को इटली के मिलान शहर चले गए थे अपने नानी से मिलने के लिए, और अब बताया जा रहा है कि 5 या 6 जनवरी को वापस वो इटली से भारत है लौट आएंगे। उसके बाद 10 या 15 जनवरी के बीच एक बैठक होगी जिसमें ये तय होगा कि राष्ट्रीय अधिवेशन किस जगह और कितनी तारीख को किया जाना है। लेकिन एक सस्पेंस ये दूर होता नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए अब मान चुके हैं, क्योंकि जब करारी हार हुई थी लोकसभा के चुनाव में तब उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। काफी उनको मनाने की कोशिश की लेकिन वापसी नहीं हुई। फिर ग्रुप 23 के नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी उसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। लेकिन अब ये तय है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी की दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होने जा रही है, और उनकी इस ताजपोशी की गवाही एक बार फिर राजस्थान की सरजमी हो सकती है, क्योंकि जब वो सक्रिय सियासत में आए थे तो जयपुर में 7 साल पहले एक चिंतन शिविर हुआ था राजधानी में, तब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और उनकी लॉन्चिंग हुई थी। तो एक बार फिर राजस्थान से दोबारा अध्यक्ष पद की ताजपोशी हो सकती है। पहले जैसलमेर और उदयपुर में अधिवेशन कराने की पराग तैयारी थी, लेकिन वो काफी राजधानी से दूर इलाका है, ट्रांसपोर्ट या किस साधन वाहनों के जरिए वहां जाया जाए ये बड़ी दिक्कत आ रही थी, और अब ये आ रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनना चाहते हैं। तो कोरोना के चलते भीड़, यानी AICC जो सदस्य है, डेलीगेट्स है, उनके जरिए ही अध्यक्ष का जो चुनाव है वो किया जाएगा। साथ ही अधिवेशन कोरोना के चलते एक दिन का संक्षेप में या 2 दिन का छोटा भी किया जा सकता है। तो ये तैयारियां अभी बंद कमरों में चर्चाओं का दौर जारी है। अंतिम मोहर राहुल गांधी जैसे ही विदेश से लौटेंगे इसको लेकर एक बैठक होगी, तब तक लगा दी जाएगी। तो अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली या राजधानी जयपुर में ये अधिवेशन हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि अभी अंतिम रूप से जाए गए और तारीख फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन 15 जनवरी के आसपास किस तारीख को कितने दिन का सेशन होगा, कौन कौन नेता आएंगे, क्या चुनावी प्रक्रिया रहेगी, ये सब चीजें फाइनल कर दी जाएगी। बिल्कुल, और अभी दिनेश इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि 5 या 6 तारीख को राहुल गांधी वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी 27 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस से एक दिन पहले इटली चले गए थे। काफी विवाद हुआ था, विपक्ष ने निशाना साधा था कि कम ऐसे मौकों पर जब पार्टी आज संघर्ष कर रही है, किसान आंदोलन कर रही है और अगले दिन स्थापना दिवस है, राहुल गांधी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को काफी अहमियत देते हैं न कि राजनीतिक जिंदगी को, इसको लेकर शिवराज चौहान और बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किए थे। और एक काफी फिर AICC के रणदीप सुरजेवाला को कहना पड़ा कि वो अपनी बीमार नानी से मिलने गए, क्या कोई अपने रिश्तेदार से मिलने भी नहीं जा सकते, इस तरह कह के पल्ला झाड़ा। तो अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 5 या 6 जनवरी को फ्लाइट के जरिए वापस वो राजधानी दिल्ली लौटेंगे, और उसके बाद अगले 1-2 दिन बाद जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंटमेंट दे रखा है, राजस्थान के भी कई विधायक है, उनके जरिए हमें ये सूचना मिली है कि उनसे भी वो मुलाकात यहाँ पर करेंगे। तो 5 या 6 जनवरी को राहुल गांधी
कह सकते हैं कि अपने 8-10 दिन के दौरे के बाद विदेश से वापस भारत लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, इस जानकारी को विस्तार से हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।